हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर आ रही है तो हम अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर बताना चाहते हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज को मिल रही है। रिया ने ईडी को बताया है कि सुशांत की मानसिक स्थिति लगातार खराब हो रही थी, मैं उसे संभाल नहीं पा रही थी, मैंने उसे कहा था कि तुम अपने परिवार के पास चले जाओ, मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, जब उसकी बहन साथ रहने आई तब मैं सुशांत के घर से वापस अपने घर गई। तो शोभना, ये जो खबर आ रही है, अब कम से कम रिया की तरफ से पहली बार इस तरीके का वक्तव्य आया, क्योंकि लगातार उनके ऊपर आरोप ये लग रहे थे कि उन्होंने सुशांत को परिवार से दूर कर दिया, तो उसका उन्होंने खंडन मंडन कर दिया है यहां पर। तो गणेश, रिया की बात में कितना दम है, क्योंकि लगातार आप इस केस को जिस तरीके से फॉलो कर रहे थे, आरोप तो ये लगातार लग रहे थे कि रिया ने ही सबसे, दोस्तों से, परिवार से, उनके परिजनों से सबसे दूर कर दिया था। अब वो कह रही कि मानसिक स्थिति लगातार खराब हो रही थी और उन्होंने कहा था किसी से संपर्क नहीं किया था, इसकी जरूरत उन्होंने नहीं समझी कि मानसिक स्थिति किसी की खराब हो रही है तो उसको उसके परिजनों के पास, उसके दोस्तों के पास ले जाए, छोड़ दिया। जी देखिए, आपने डिफेंस में ये बातें हो रही और ईडी के सामने भी उन्होंने इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात की, और सिर्फ सुशांत नहीं तो सुशांत को संभालते संभालते वो खुद डिप्रेशन में चली गई थी, खुद ट्रीटमेंट करा रही थी ब्रीफ पीरियड के लिए, ऐसा भी क्या है। अब कुछ और अहम खुलासे भी हुए हैं जिसको मैं काउंटर भी करूंगा। ईडी जो इसमें पूछताछ में की है, ईडी के मुताबिक जब उनको उनके यूरोप टूर जो 45 लाख रुपए सुशांत के अकाउंट से गए थे उस बारे में पूछा गया तो धीरे धीरे उन्होंने जानकारी देना शुरू किया। पहले बताया कि ईडी टूर के जो टिकट्स थे वो उन्होंने, उनकी एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पैसे आए थे उसके जरिए लिए थे, कंपनी ने बुक किए थे और बाकी का खर्च सुशांत ने किया था। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस टूर के बाद से ही वो बीमार होने लग गए थे या डिप्रेशन में चले गए थे। फ्रांसिस्को गोया की एक तस्वीर फ्लोरेंस के एक होटल में, हेरिटेज होटल में उन्होंने देखी थी, सैटर्न डिवोरिंग सन। तो ये तस्वीर देखने के बाद उसके जो कैरेक्टर थे उस कैरेक्टर में वो खुद को देखने लगे। उस समय उन्होंने रुद्राक्ष लेकर जो है माला जपना शुरू किया, उसके बाद वो ऑस्ट्रिया गए और उसके बाद जब वो मुंबई आए तो उनकी हालत खराब होने लगी। रिया ने ये भी कहा, गणेश मैं आऊंगी आपके पास। गणेश, दर्शकों को देखिए, समझाना बहुत जरूरी है, इस खबर को समझाना बहुत जरूरी है। गणेश, एबीपी रिपोर्टर में सुशांत सिंह राजपूत के कथित खुदकुशी केस की हम इस समय बात कर रहे हैं। सुशांत केस में ईडी की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है, खुलासा सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के बयान से हो रहा है जो उन्होंने ईडी के सामने दिया है। और ईडी को रिया ने जो बताया है अगर उस पर यकीन करें तो सुशांत यूरोप टूर पर एक पेंटिंग से परेशान थे। रिया के बयान के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में सुशांत, रिया और रिया के भाई शोविक यूरोप के टूर पे थे। इसी टूर पर इटली के एक होटल में सुशांत ने एक पेंटिंग देखी और हम अपने दर्शकों को बता रहे, देखिए ये वो पेंटिंग आपके सामने है जिसको देखकर सुशांत सिंह राजपूत परेशान हो गए, ऐसा दावा रिया चक्रवर्ती ईडी के सामने कर रही है। क्या सुशांत की मौत का राज इस पेंटिंग में छिपा है? क्या इस पेंटिंग ने ही कर दिया था सुशांत को परेशान? सुशांत सिंह राजपूत की कथित खुदकुशी के केस में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। अब इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासे के पीछे सुशांत की गर्लफ्रेंड का एक बयान है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पेंटिंग को देखकर सुशांत की तबीयत बिगड़ गई थी। पेंटिंग की ये कहानी तब की है जब सुशांत सिंह राजपूत रिया और उसके भाई शोविक के साथ पिछले साल अक्टूबर में यूरोप के टूर पर गए थे। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ईडी की पूछताछ में रिया ने इस पेंटिंग को सुशांत की सेहत खराब होने की बड़ी वजह बताया है। ये पेंटिंग इटली के फ्लोरेंस शहर में होटल के उस कमरे में लगी थी जहां सुशांत ठहरे हुए थे। रिया ने ईडी को बताया है कि मैं अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ दूसरे कमरे में थी, लेकिन जब वापस लौटी तो देखा कि सुशांत ने हाथ में एक रुद्राक्ष लिया हुआ है और कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। वो काफी घबराए हुए से लग रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ तो सुशांत ने बताया कि वो दीवार पर लटकी पेंटिंग्स में छपे कैरेक्टर को देख रहा है, हालांकि वो स्पष्ट तौर पर उस बारे में कुछ नहीं बता पाए। रिया के मुताबिक पेंटिंग को देखकर सुशांत एकदम परेशान हो गए थे। रिया ने ईडी को ये भी बताया कि उन पेंटिंग्स को लेकर सुशांत लगातार बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें संभाला और कहा कि ये महज उनका भ्रम है। इसके बाद अगले दिन मैं, सुशांत और शोविक ऑस्ट्रिया में डिटॉक्स सेंटर के लिए निकल गए, लेकिन वहां भी सुशांत कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोग वहां से लौट आए।
जिस पेंटिंग को लेकर सुशांत के परेशान होने और तबीयत बिगड़ जाने का रिया ने दावा किया, उस पेंटिंग की कहानी आपको बताते हैं। ये पेंटिंग फ्रांसिस गोया नाम के पेंटर ने बनाई थी। इस पेंटिंग का नाम है सैटर्न डेवरिंग हिज ओन सन। पेंटिंग के पीछे की ये किंवदंती है कि सैटर्न ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसे लगने लगा था कि उसकी जो भी संतान होगी वो उसे मार देगी। इसलिए जब भी उसकी संतान होती थी वो उसे मार देता था। इसी तरह उसने दो बच्चों को मार डाला। अब आगे की किंवदंती ये है कि जब तीसरा बच्चा हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे छिपा दिया। बच्चे की जगह सैटर्न को उसके कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया और इस तरह से उसका तीसरा बच्चा जुपिटर बच गया और बाद में उसने सैटर्न की जगह ली। तो रिया ने जो खुलासे ईडी की टीम के सामने किए वो हमने आपको दिखाए। उस पेंटिंग को देखकर सुशांत परेशान हो गए। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्तेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत आपका। पेंटिंग की बात कर रही है रिया की, उसको देखकर सुशांत परेशान हो गए थे, आप खुश हैं जिस दिशा में अब जांच चल रही है? पांडे जी आपको आवाज मिल पा रही है क्या हमारी? सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पेंटिंग के बारे में वो सब हमको जानकारी नहीं है जी, अभी अभी मिली थोड़ी थी। पेंटिंग के बारे में मुझे बात नहीं मालूम नहीं ईडी। हाँ थोड़ा सा बीच में ब्रेक हुआ था, फिर से आप रिपीट करिए। हाँ सर अब आप खुश हैं जिस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है? ठीक है, अभी जांच आगे कहां बढ़ी, अभी तो सीबीआई को मामला गया। सीबीआई ने पता नहीं इन्वेस्टिगेशन शुरू किया या नहीं, लेकिन एक नया बखेड़ा ये होगा कि हमारे 5 पुलिस पदाधिकारी जो मुंबई गए थे इन्वेस्टिगेशन टीम के, मुझे अभी जानकारी मिली है कि उनके खिलाफ मुकदमा कर लिया बिहार पुलिस के खिलाफ मुंबई पुलिस ने, ये आरोप लगाते हुए कि ये सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने गए थे। अब ये कितना रिडिकुलस है, कितना हास्यास्पद है, पूरे देश में क्या इमेज बनेगी मुंबई पुलिस की, किसने सलाह दिया इस तरह का मुकदमा करने का, ये तो उन्हीं को पता होगा। तो अभी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कहां तक पहुंची है, क्या कर रही है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है जी। पांडे जी, सीबीआई बिल्कुल आपकी सही बात है जो आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके की इमेज जाएगी अगर इस तरीके की चर्चा होती है। चर्चा लगातार जारी रहेगी, आपसे तफसील से हम बात करेंगे। तो चलिए एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं। मैं और राजकिशोर लगातार आपके साथ बने हुए हैं और बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, बिहार के डीजीपी ने कहा है कि जिस तरीके से बिहार पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है वो एक गंभीर सवाल पूरी व्यवस्था पे जरूर खड़ा करता है। मुंबई गई बिहार पुलिस पर केस दर्ज हुआ और हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। राजकिशोर बिल्कुल, पांडे जी सीधे इसी खबर के साथ आपकी तरफ रुख करना चाहता हूं क्योंकि पिछली बार भी आपसे बहुत तफसील से चर्चा हुई थी इस मुद्दे पर, लेकिन मुंबई पुलिस ने क्या सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं? एक पुलिस दूसरी पुलिस को काम न करने दे, ऐसा देखा नहीं जाता आमतौर पर, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो पूरा देश देख रहा है, आप भी देख रहे हैं सब, आप लोग समझदार आदमी हैं, आप कुछ छुपा हुआ नहीं। एक केस यहाँ रिपोर्ट होता है, दर्ज होता है, उसके अनुसंधान की लिए टीम भेजी जाती है। टीम के लोग 3 दिन तो वहां मिल ही नहीं पाते हैं और जब थोड़ी देर के लिए बड़ी मुश्किल से मुलाकात भी होती है एक डीसीपी साहब से, तो वो सहयोग देने से पूरी तरह से इनकार करते हैं। आपको ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं देंगे, पीएम रिपोर्ट नहीं देंगे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं देंगे, आपको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पीओकी नहीं देंगे, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। ठीक है, असहयोग का वातावरण है, लेकिन अपनी अपने तरह से जितना संभव होता है अनुसंधान लोग करते हैं, 10 आदमी का स्टेटमेंट भी लेते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। 3-4 दिन ही मौका मिला, उसके बाद देखते हैं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है तो हम एक सीनियर अफसर को उनको चिट्ठी लिख करके सूचना दे करके बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए आईपीएस अफसर को भेजते हैं। जिस दिन मुंबई में उतरता है उसी दिन रात में मध्य रात्रि को जा करके उसको क्वारंटीन के नाम पर कैद कर लिया जाता है। और आप देखिए इतना ही तक बात रहती तो बहुत ठीक था, लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके प्रतिकूल टिप्पणी जाती है की जाती है कि यह अनइथिकल है, ये अनप्रोफेशनल तरीका है, इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, उसके बाद भी वो छोड़ते नहीं। फिर यहां से हम प्रोटेस्ट लेटर लिखते हैं तो उनको छोड़ देते हैं, वो यहां आते हैं और उसके बाद यहां से जो 5 पदाधिकारी गए थे आज सूचना मिलती है कि 5 के खिलाफ
सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा मुंबई पुलिस दर्ज कर लेती है। हम ये देह हंसी भी आती है, हमको तकलीफ भी होता है, हम कितने नीचे गिरेंगे और किस लेवल तक जाएंगे। पांडे जी आप बताइए, इसी से जुड़ा सवाल है पूरा देश देख रहा है ये तमाशा। इसी से जुड़ा सीधी बात कहते हैं कि हमारी टीम गई, हमारी बात सुन लिए राजकिशोर जी, हम सीधा एक कहते हैं राजकिशोर जी, हमारी टीम गई थी, केवल बुलाकर बोल देते कि आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, आप वापस आ जाइए। अगला कदम क्या होगा? मुकदमा जब आपके किसी को क्वारंटीन करने की, जेल करने की जरूरत ही नहीं थी गुप्तेश्वर जी, आप जब आपके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तो अब बिहार पुलिस का अगला कदम क्या होने जा रहा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, शोभना वैसा पागलपन हम थोड़े ही करेंगे, हम तो मानते ही नहीं है कि पुलिस अलग अलग है, मुंबई पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, या केरला पुलिस हो, कर्नाटका पुलिस, तो सब जगह एक ही है, एक ही काम है हम लोगों का, विधि व्यवस्था का संधारण, अपराध का नियंत्रण, यही ऑब्जेक्टिव है। पुलिस तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग काडर में हम लोग काम करते हैं वो अलग चीज है, अलग अलग प्रांत में काम करते हैं अलग चीज है, लेकिन सब पुलिस वाले तो अपने ही है। लेकिन इस तरह से जो कर रहे हैं लोग, हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उनका फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद हम तय करेंगे क्या करना है। लेकिन इतना जरूर आपको आश्वस्त करते हैं कि हम वैसे तो नहीं कर सकते जी, जैसे मुंबई पुलिस वाले कर रहे हैं। पांडे जी, इसी से अपनी गरिमा का ख्याल रखेंगे, उनकी गरिमा का भी ख्याल रखेंगे, कोई मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे जिस पर दुनिया हंसे। ठीक है पांडे जी, नहीं यही मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आमतौर पे एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के पुलिस के साथ में सहयोग करती है, कई बार उसमें मतभेद भी होते होंगे, जाहिर है एक राज्य में हो जाते हैं, एक थाने के बीच में हो जाते हैं, वहां पर भी हम समझ सकते हैं। लेकिन इस तरीके का जो मुंबई पुलिस का एक प्रतिशोधात्मक रवैया सा जो दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि किसी को बचाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश की जा रही? आपके अपने पुराने इतने पूरे कार्यकाल के अनुभव में आपको क्या कभी इस तरीके का मसला पुलिस की तरफ से ऐसा प्रतिरोध, ऐसा प्रतिशोध देखने को मिला? इसी में मैं जोड़ रही हूँ, क्या महाराष्ट्र सरकार का दबाव महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर? राजकिशोर, शोभना, जो आप बात आप जानते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, उस पर हमसे ठप्पा मत लगाइए। मैं सरकारी पदाधिकारी हूं, मेरी मर्यादा है, मर्यादा के बाहर जाकर के मैं नहीं बोल सकता। मैं तो केवल मुंबई पुलिस को कह रहा हूं कि उनको हो क्या गया है। हमारी टीम गई, वो सीधे बुलाते, एक दिन में मामला हल हो जाता। हमारी पहली टीम चार लोगों की गई, उनको बुलाते सीपी अपने पास और बोलते तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हम तुमको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, वापस चले आओ। वापस ना आते फिर तो कोई बात थी, हम वापस आते। हमारे विनय तिवारी गए, उनको भी बोलते कि आप वापस जाइए, नहीं करने देंगे। हम वापस आते कोर्ट के माध्यम से, फिर हम कोर्ट से आदेश करवाते उनको सहयोग करने का। पांडे जी, जो आप बात कर रहे हैं उसी समय एक बड़ी खबर आ रही है, मैं चाहूंगा शोभना आप उस खबर को दर्शकों तक पहुंचा दें। आएंगे सर आपके पास, आपके और जवाब भी हमें जानने हैं, लेकिन इस समय बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये कि ईडी सूत्रों के हवाले से सुशांत मामले में कोटक महिंद्रा बैंक में सुशांत खाते की 4.5 करोड़ की 2 फिक्स्ड डिपॉजिट्स 2 दिन में तोड़ी गई थी, ईडी ने इसे संदिग्ध माना है। और 26 नवंबर 2019 को कोटक महिंद्रा बैंक में 2 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए की 2 FD कराई गई थी और 28 नवंबर को इन्हें तोड़वा दिया गया था। ओम प्रकाश तिवारी हमसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। ओम प्रकाश, इस खबर पर क्या अपडेट आपसे जानना चाहेंगे? ये तो मामला जो ईडी कह रही है सही बात है, शक तो पैदा होता है। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं, जो सुशांत सिंह के जो बैंक खाते हैं, जब उनकी जांच की ईडी ने, तो उसमें पता चला कि 26 नवंबर को 2 करोड़ और 2.5 करोड़ के 2 FD कराई गई थी और अचानक 2 दिन बाद ही इन दोनों एफडीओं को तुलवा दिया गया। आपको पता है करोड़ों रुपए की एफडी तुलवाने के पीछे जो जिस शख्स ने कराई होती है, इसका खाता होता है, उसकी कंसेंट जरूरी होती है, उससे पूछा जाता है, लिखित में लिया जाता है। तो ईडी ऐसे में जानना चाहता है कि अचानक से ये दोनों एफडी क्यों तुलवा दी गई और इन दोनों एफडीओ को तुलवाकर 28 नवंबर को 1 करोड़ का करवा दिया गया। ईडी ने इस बाबत कल रिया, श्रुति और जो सुशांत की बहन थी उनसे सवाल किए, तीनों ने अलग अलग जवाब दिए। श्रुति का कहना था ईडी सूत्रों के मुताबिक कि वो बैंक को काम नहीं देखती थी, जबकि रिया ने कहा कि उनके खाते में ये पैसे नहीं आए हैं, वो अपनी ITR अपने बैंक स्टेटमेंट उनको सबमिट कर चुकी हैं, वो अच्छी तरह से देख लें कि ये पैसा उनके खाते में नहीं आया है। और ये सुशांत ही बता सकते हैं कि उन्होंने एफडी क्यों तुड़वाई, जबकि सुशांत की बहन का इस मामले में कहना था कि ये बात साबित करती है कि पैसा इन लोगों ने लिया है। 4.5 करोड़ की एफडी आखिर टूट कैसी गई? जो शख्स एफडी कराता है वो मात्र 2 दिनों में एफडी नहीं तुड़वाता है। लिहाजा इस एफडी को लेकर अब ईडी जांच कर रही है। ओम प्रकाश जी, सवाल ये कि पैसा एफडी तो तुड़वाई गई, ये तथ्य है।
अब ये तीनों लोगों को नहीं पता पैसा कहां चला गया, तो पैसा जमीन खा गई या आसमान खा गया, इस पैसे का कुछ अता पता, कुछ सूत्र ईडी को मिल पाए? देखिए राजकिशोर जी, जो ईडी है वो इस मामले में, चूंकि रिया बहुत ही रिया ने अपने सारे दस्तावेज आईटीआर चूंकि बैंक से रिलेटेड वो ईडी को सौंप दिए हैं, लिहाजा अब हर ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनके बारे में कहती हैं कि मेरे कागज देख लीजिए, मेरा बैंक अकाउंट देख लीजिए, मेरी आईटीआर देख लीजिए, 66 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, आप 4.5 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो अब ईडी इस मामले को लेकर जांच कर रहा है, इस मामले में जल्दी बैंक अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी कि किसके कंसेंट से पैसा तोड़ा गया। बिल्कुल ठीक है ओम प्रकाश, आप बने रहिए और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। क्षमा चाहते हैं सर, एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप जो कह रहे थे, यानी बिहार पुलिस जो कह रही थी, अब कहीं ना कहीं जांच उसी दिशा में आ गए, आपकी बात पर मोहर लग रही है? स्वप्ना, देखिए बिहार के लोगों की और पूरे देश की आम की आज एक ही चिंता है। जिस तरह से मुंबई पुलिस, देखिए मैंने मुंबई पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं बोला उस दिन तक जिस दिन तक हमारे अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी को रात में मध्य रात में कैदी की तरह क्वारंटीन नहीं किया गया, उसके पहले तक मैं उनको शाबाशी देता रहता था, उनका जिंदाबाद करता रहता था। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये, पूरे देश की आवाम अब सोचने लगी है, जानने लगी है कि इस केस के पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है, गहरा राज है, और पूरे देश की आवाम जानना चाहती है कि सच्चाई क्या है। मेरा अपनी बात छोड़ दो, पूरे देश को, जनता को अब यह लगने लगा है मुंबई पुलिस से ये केस, इस केस में इंसाफ नहीं मिल सकता और बिहार पुलिस को वो करने नहीं देंगे, इसलिए अब सीबीआई को इंसाफ करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस को खुद सामने आकर के और इसको स्वीकार कर लेना चाहिए और स्वेच्छा से अपने सरकार से अनुमति लेकर के इस केस को हवाले कर देना चाहिए सीबीआई का, ताकि और दुनिया का जो दुनिया के मन में बहुत ही एक बुरी भावना मुंबई पुलिस के प्रति बन रही है, वो कम से कम उस दाग से वो छूट जाए। मुंबई पुलिस पर बहुत दाग लग चुका, बहुत बदनामी हो चुकी, बहुत शक उन पर गहरा हो गया है। बिल्कुल, अगर वो सत्य के साथ हैं तो उनको खुद इससे किनारा कर लेना चाहिए और सीबीआई को इसका अनुसंधान करने देना चाहिए। बिल्कुल गुप्तेश्वर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शांत केस में ईडी की जांच में यह भी पता चला है, बड़ी खबर इस समय क्या मैं आपको बता रही हूँ, रिया के मोबाइल से कुछ व्हाट्सएप चैट डिलीट किए गए, इस बात की जांच की जा रही है कि व्हाट्सएप चैट्स में आखिर क्या था। बिल्कुल, और आपको याद दिला दें कि ईडी ने कल रिया का मोबाइल जब्त कर लिया था। अब व्हाट्सएप चैट डिलीट किए जाने की खबर पर बात करते हैं गणेश ठाकुर से। तो गणेश, सीधे बिना लाग लपेट के आपसे पहला सवाल, ये डिलीट किया गया है, इसकी पुष्टि हो चुकी है, इस बारे में कुछ पता चल पाया क्या कि क्या डिलीट किया गया? फिलहाल नहीं, अभी इस बारे में छानबीन चल रही है कि आखिर ये कौन है, अगर पता भी होगा तो ईडी उसका खुलासा फिलहाल नहीं करना चाहते। हमने यही सवाल ईडी के अधिकारियों से पूछा कि अमूमन कोई भी व्यक्ति अपने व्हाट्सएप चैट डिलीट करता है अगर वो अनवांटेड रहते हैं तो उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो चैट डिलीट हुए हैं जो अनवांटेड हैं जो उनके केस से संबंध नहीं रखता है उस बारे में वो बात नहीं कर रहे। कुछ ऐसे चैट्स हैं, कुछ ऐसे लोगों से उन्होंने चैट किए हैं जिनका इस केस से सरोकार है और इसमें उनसे पूछताछ भी की जा सकती है, इसीलिए ये चैट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा ईडी का कहना है। और इसी वजह से अब इसको रिट्रीव करने के लिए या इस बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए रिया से पूछताछ हो सकती है या उन लोगों से पूछताछ हो सकती है जिनके चैट्स थे, इम्पोर्टेंट चैट्स हैं और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट खुलासे हो सकते हैं ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन इस पर ज्यादा कुछ खुलासा ईडी की तरफ से नहीं हो रहा है। ईडी ये भी कह रही है कि लगातार हम रिया के बिहेवियर के बारे में भी छानबीन। बिल्कुल ठीक है गणेश, थोड़ी सी समय की पाबंदी है, मैं फिर आपका रुख करूंगी।